तो वेव ऑप्टिक्स पहले समझने के लिए हमको क्या, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल। और यह हाइगेंस प्रिंसिपल देखिएगा, बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकालिए तो बहुत बार मिलेगा, अगर पिछले साल नहीं पूछा तो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल अगर समझना है तो उसके लिए पहले वेव फ्रंट समझना पड़ेगा, क्योंकि वेव फ्रंट का यूज करके ही हाइगेंस प्रिंसिपल ने अपना थ्योरी दिया है। तो वेव फ्रंट होता क्या है, वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट, वेव का अगला भाग। तो वेव जैसे ट्रैवल करता है उसका अगला भाग क्या होगा, तो एक्चुअली ये वेव फ्रंट होता है क्या, लोकस ऑफ अ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन एक्चुअली है। और वो पार्ट पॉइंट या वो पार्टिकल, वेव का वह पार्टिकल जो सेम मीडियम सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा, सेम फेज में, मतलब एक पार्टिकल अगर सोर्स से बहुत सारा पार्टिकल निकल रहा है तो सेम फेज में तभी रहेगा जब एक हर एक बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेंगे या बराबर बराबर टाइम पे लेंगे। अगर एक सेकंड में देखेंगे तो यहाँ से पार्टिकल निकल के यहाँ गया होगा, एक सेकंड में यहाँ से यहाँ गया होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा, तो एक एक सेकंड में कहाँ कहाँ गया है वो सब पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो उन सब पार्टिकल का पोजिशन को अगर आप एक फिगर में ड्रॉ करिएगा तो वो उससे जो बनेगा फिगर वो क्या कहलाएगा आपका, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज ए कलेक्शन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ मीडियम पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सेम फेज में वाइब्रेट करा होगा, उसी के लोकस को मिलाइए, उसके पॉइंट को मिलाइए तो जो फिगर बनेगा वो वेव फ्रंट कराता है। वेव फ्रंट कितना टाइप का, तीन टाइप का बनता है, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सोर्स, किस लाइट, आपका लाइट का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है मतलब ये बिंदु टाइप का लाइट है कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट मतलब ऐसा कुछ होगा तो चारों तरफ से निकलेगा ट्यूबलाइट से, लेंथ वाला लाइन 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 सोर्स है जिसको लाइन सोर्स बोलते हैं। और नहीं तो फिर अगर सोर्स इन्फानाइट पर, जैसे सन से अगर लाइट आ रही है तो क्या होगा, क्योंकि मैथम तो काम सनलाइट पे ही करते हैं, तो सनलाइट से जो आती है वो लाइट में पैरल होता है तो उसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो टोटल हमारे पास तीन टाइप का वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से चारों तरफ निकलेगा तो बराबर डिस्टेंस पे स्फीयर ही मिलेगा, है ना। अगर चार्ज लाइन चार्ज है, लाइन सोर्स है, लाइट का सोर्स लाइन जैसा है, एक लाइन लेंथ जैसा है, तो इसे चारों तरफ जो बराबर टाइम पर मिलेगा ज्योमेट्री कैसा मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, तो वो नाम आएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और अगर इन्फानाइट से लाइट पे जा रहा है, सोर्स इन्फानाइट पे है, तो वहां पे कैसा होगा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए वेव फ्रंट का डेफिनेशन। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस, एलो CUS, locus of all the particles, locus of all the particles, of the medium, vibrating in the same phase at a given instant, full stop, at a given instant, okay? Line change करिए, नीचे लिखिए, the shape of wave front depends on the source of disturbance, कि आपका डिस्टर्बेंस जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो नीचे लिखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट
फर्स्ट नंबर स्फेरिकल वेव फ्रंट SWF स्फेरिकल वेव फ्रंट, नीचे लिखिए इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ पॉइंट सोर्स देन द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल. Then the wave front is spherical. जैसे देखिए यहाँ पे लाइट सोर्स पॉइंट टाइप का है, ये सोर्स हुआ तो इसे तो चारों तरफ लाइट रेज निकलेगा, तो सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब सेम टाइम लेगा पहुंचने का, तो यहां से सेम टाइम लगेगा मतलब रेडियस बराबर बना के चलेगा, तो बराबर रेडियस बनाया जाए तो कैसा सेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा. तो सोर्स होगा सेंटर पे, कहीं भी हम लेंगे पार्टिकल को लेंगे ये सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी पार्टिकल रहेगा तो कैसा रहेगा, वो सेम फेज में वाइब्रेट करने लगा होगा, तो सोर्स कैसा हुआ, पॉइंट सोर्स हुआ. ठीक, ये लाइट वेव ऐसे जा रहा है चारों तरफ निकलेगा, तो ये जो बनेगा सर्कमफ्रेंस वो कैसा बनेगा, नेचर क्या बनेगा, चलिए इसको कंटिन्यूस लाइन में रखिए इसको, और ये बनेगा आपका SWF स्फेरिकल वेव फ्रंट. समझ में आया बात, और टाइम दूसरा फेज में देखेंगे तो यहां पे ऐसे मिलेगा, कम टाइम में देखेंगे तो अंदर भी मिल सकता है. चलिए बना लीजिए डायग्राम. और सेकंड नंबर होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट CWF. Now, second number in line is cylindrical wave front. Cylindrical wave front कैसे बनेगा? Line source होना चाहिए. Source कैसा होना चाहिए? Line tap, length होना चाहिए उसमें. तो नीचे देखिए. या उसको slit भी बोलते हैं. Slit देखो slit. इसका एग्जांपल एक और होगा. Slit देखो. स्लिट किसको बोलते हैं, आगे आएगा स्लिट. कभी अगर मान लो लकड़ी का अगर खिड़की होगा तो खिड़की पूरा खोल देते धूप आता है, ऐसा दोनों खिड़की के डोर को ऐसे क्लोज करो कि एक पतला सा खाली गैप बचता है, तो उससे जो लाइट आ जाता है उसी को बोलते हैं स्लिट.
स्लिट, समझ में आया? एक नैरो ओपनिंग, एक पतला सा ओपनिंग जैसे लाइन जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। चलो देखो ना, कभी जैसे या फिर कहीं एक छेद होता है, होल होता है, उसे लाइट आता है, पतला सा बीम जैसे जैसे आता है ना, तो वो तो एक बीम होता है। लेकिन अगर एक लंबा सा सोर्स होगा ऐसे, उसको हम स्लिट बोलते हैं। तो नीचे लिखिए किसमें, स्फेरिकल में, ये सिलिंड्रिकल में। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज एयर इज अ लाइन सोर्स, ब्रैकेट में ए बी लिख लीजिएगा, लाइन सोर्स, देन द बैकफ्रंट इज सिलिंड्रिकल, देन द बैकफ्रंट इज सिलिंड्रिकल, ऐसा लाइट में निकल रहा होगा चारों तरफ, तो इक्वी डिस्टेंस मिलेगा इसका सिलेंडर का सरफेस मिलेगा, तो ये जो सिलेंडर बनेगा उसका है ना, यहाँ भी ऐसे कुछ होगा, एक्चुअली सरफेस होगा, सरफेस तो दिखेगा नहीं, होगा ना ऐसा चारों तरफ निकलेगा, और वो इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब सेम यहाँ पे जो सिलेंडर पे कहीं भी पार्टिकल लेंगे तो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। तो देखो लाइट रे जो निकलेगा, अब बैकफ्रंट हमेशा कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लाइट रेज और बैकफ्रंट हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये जो बैकफ्रंट बनेगा सिलिंड्रिकल, उसको हम सिलिंड्रिकल बैकफ्रंट बोलेंगे। तो ये लाइन सोर्स हुआ ए बी, यही सोर्स क्या है, लाइन सोर्स ए बी, इसी से लाइट रेज इमिट कर रहा है, बना लीजिए। थर्ड नंबर प्लेन वेवफ्रंट हो गया, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट क्या होगा, जब सोर्स इनफाइनाइट पर रहेगा तो जो लाइट रेज आ रहा होगा कैसे आ रहा होगा, पैरेलल आ रहा होगा, लाइट रेज कैसे आ रहा होगा कहां पे, जब सोर्स कहां पे होगा, सीज एट इंफिनिटी, सो लाइट सोर्स इज सनलाइट, तो सनलाइट कैसे आता है, पैरेलल आता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक प्लेन होगा उसमें सारा लाइट इंसिडेंट करेगा तो पैरेलल ही परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेगा। ये जो वेवफ्रंट बनेगा तो ऐसा होगा कि कहीं भी इंसिडेंट करे
ना इधर होगा ना, लाइट में पैरेलल आ रहा होगा तो कहीं भी इंसिडेंट कर सकता है। तो ये सरफेस जो प्लेन बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेन ड्रेट फ्रंट बनेगा, ठीक है। और ये हमेशा इंसिडेंट करेगा, ऐसे लगेगा कि क्या है ये, परपेंडिकुलर ही है। तो हम लोग जो आगे यूज करेंगे प्लेन वेव फ्रंट तो ऐसे बनाएंगे, बस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा लग रहा है ना कि परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम प्लेन वेव फ्रंट आगे सब जब यूज करेंगे तो ऐसे ही इंडिकेट करेंगे प्लेन वेव फ्रंट एक लाइन से बस, क्योंकि ये प्लेन ऐसा सीट रखेगा ऐसे तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ लाइन ही दिखेगा ना। एक प्लेन ऐसे रखोगे, एक हम तिरछा रखे तब ना, अगर ऐसे सीधा रखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, सिर्फ एक लाइन नजर आएगा। तो वो लाइन क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट जो इस रे ऑफ लाइट से कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक लाइन हमेशा हर जगह दिखाए, एक जगह दिखाएगा क्या, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेस, ठीक है। ये बना हेडर का नीचे लिखिए प्लेन वेव फ्रंट में, इफ अ पॉइंट सोर्स इज एट, इफ अ पॉइंट सोर्स इज एट एट इफ अ पॉइंट सोर्स इज एट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस देखो इसका बात ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सन ए है, सन बी है, तो सन तो चार तरफ लाइट निकल रहा होगा, निकल रहा होगा ना। हम लोग अर्थ बहुत दूर में है तो सन से जो लाइट रे निकल रहा है वो कैसा स्फेरिकल फ्रंट है, स्फेरिकल ही होगा, लेकिन इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा जब अर्थ तक आएगा, तो आएगा तो उसका एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करोगे तो करीब करीब कैसा दिखेगा, प्लेन जैसा, लाइन जैसा, जैसे हम लोग अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ का सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है ना। लेकिन क्या आप लोग को दिखाई देता है कि स्फेरिकल है, कहीं जाके ऐसे घूम के जा रहा है अर्थ, नहीं ना, क्योंकि इतना बड़ा रेडियस है कि हम लोग को समझ में आता है क्या फ्लैट ही है, लेकिन बाहर ऊपर से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली पॉइंट सोर्स बहुत दूर में इनफाइनाइट पे है, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे वो आपको कैसा ट्रीट करेगा, प्लेन वेव फ्रंट जैसा, समझ में आया बात। चलिए नीचे क्या लिखे थे, वेरी लार्ज डिस्टेंस कॉमा ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, a small part of spherical wavefront appears plain, appears plain which is known as plain wavefront, which is known as plain wavefront, ठीक है। इसका मतलब spherical का, spherical part का छोटा सा part लेते हैं और वो प्लेन नजर आता है, इसका मतलब कि बहुत दूर से आ रहा है, रेडियस बहुत बड़ा होगा, तो इसका मतलब सोर्स कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे, बना लीजिए, लिख लीजिएगा ये लाइन के नीचे।
हो गया। कन्वर्जिंग लाइट और डाइवर्जिंग लाइट बताए थे। कन्वर्जिंग किसको बताए थे? जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ये लाइट रेज कन्वर्जिंग है और ये लाइट रेज, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा उसको हम कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बोलते हैं। तो देखो इक्विडिस्टेंस ये सेंटर मानोगे तो इक्विडिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, होगा तो इस वेव फ्रंट को हम क्या नाम देंगे? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है? और यहां से लाइट रेज ऐसे जा रहा होगा तो इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम क्या नाम देंगे? डाइवर्जेंस। समझ में आया? तो कन्वर्जिंग लाइट रेज के अकॉर्डिंग क्या? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग लाइट के अकॉर्डिंग डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट फैलते जाएगा, ये वेव फ्रंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, रेडियस कम होता जाएगा वेव फ्रंट का। ठीक है, चलो बना लो दोनों। अब हाइगेंस प्रिंसिपल पे आते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने क्या क्या चीज बोला था। चलिए जान लीजिए हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल नीचे लिखे, तो देखो हाइगेंस प्रिंसिपल एक्चुअली जो वेव लाइट वेव चलता है उसका ज्योमेट्रिकल डिटेल्स देता है कि उसका ज्योमेट्रिकल डिटेल्स कैसे कैसे ट्रैवल करता है। और हम इस थ्योरी के हेल्प से या इस प्रिंसिपल के हेल्प से अगर मुझे एक वेव फ्रंट पता है तो दूसरा वेव फ्रंट निकाल सकते हैं किसी सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, कि इतना सेकेंड के बाद या 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड के बाद नया वेव फ्रंट कहाँ बनेगा। तो इस प्रिंसिपल के हेल्प से हम नया वेव फ्रंट निकाल सकते हैं लेकिन प्रेजेंट वेव फ्रंट पता रहेगा तब। तो नीचे लिखिए हाइगेंस प्रिंसिपल में, हाइगेंस प्रिंसिपल गिव्स ज्योमेट्रिकल, हाइगेंस प्रिंसिपल गिव्स ज्योमेट्रिकल डिटेल्स, गिव्स ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ अ वेव, ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ अ वेव, ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ ए वेव, फुल स्टॉप। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड the new position of the given wave front, the new position of given wave front, the new position of a given wave front at any instant if the present position is known, if the present position is known,
अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट आया था, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल फर्स्ट नंबर, तो देखो हाइगेंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, कोई भी सोर्स जो लाइट का सोर्स होगा, जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको हम सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस बोलेंगे, जहां से लाइट प्रोड्यूस होगा वो सेंटर ऑफ, और वहां से चारों तरफ वेव है जो लाइट स्प्रेड होगा फैलेगा, है ना। यहाँ बल्ब जलाएंगे तो क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगा लाइट, चारों तरफ फैलता है, इन ऑल डायरेक्शन स्प्रेड होगा, ऑल द पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब वहां से मान लेते 5 सेंटीमीटर दूर हर जगह चारों तरफ, है ना, सोर्स जो होगा वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेटिंग इन, क्योंकि सेम टाइम लिया तो सेम ही डिस्टेंस, सेम ही ट्रेवल, सेम स्पीड, सेम एंगल, सब कुछ सेम चीज कर रहा होगा। लाइज ऑन द सरफेस, और वो पार्टिकल जिस सरफेस पे लाई करेगा उसको हम वेव फ्रंट नाम देते हैं। बात समझ में आया, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है जहां से लाइट रेज निकल रहा है, वहां से लाइट रेज कैसे निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, वहां से इक्यू डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे जितने सारे पार्टिकल होगा वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा, और वो पार्टिकल जिस प्लेन पे लाई कर रहा है वो प्लेन आपका क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। पहला यही स्टेटमेंट था उनका, ठीक है। अब एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, अब जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, जैसा भी वेव फ्रंट आपके पास है, उस वेव फ्रंट पे कोई भी एक पॉइंट लीजिए, वो बिहेव करेगा न्यू डिस्टर्बेंस जैसा, वो खुद एक और वेव फ्रंट ये प्रोड्यूस करेगा वेव डिस्टर्बेंस, जैसे यहाँ से पार्टिकल गया है यहाँ पे, तो यहाँ भी वाइब्रेट करने लगा, दूसरे मीडियम को वहाँ डिस्टर्ब करने लग गया, तो ये फिर एक और वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट पे, मेन वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसा क्रिएट करेगा, वो खुद एक डिस्टर्बेंस रहेगा, और वहाँ पे फिर से वो वेव प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ से चारों तरफ फिर से क्या होगा, सोर्स न्यू डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करेगा सोर्स, एंड विच प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी वेवलेट, और वो जो प्रोड्यूस करेगा उसका नाम देते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट्स नाम देते हैं, और वो फिर से स्फेरिकल इन नेचर होगा। देखो अभी ग्राफ स्टेरिमेट्री बनाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा क्या है। उन वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवेलप मतलब जैसे वेव आगे जा रहा है तो स्फेयर मिलेगा, तो आगे भी स्फेरिकल कर्व मिलेगा, नीचे पीछे भी मिलेगा, तो लेकिन नहीं, कौन सा फॉरवर्ड एनवेलप मतलब जैसे लाइट ट्रैवल कर रहा है उसके डायरेक्शन में जो फॉरवर्ड एनवेलप बनेगा, इंक्लोजिंग द टेंजेंट्स थ्रू द सेकेंडरी वेवलेट्स का जो फॉरवर्ड एनवेलप जो टेंजेंट्स आएगा वो कहलाएगा न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। समझ में आया बात। तो अब देखो इसका डायग्राम कैसे होगा, देखो हमने लिया है एक सोर्स, पॉइंट सोर्स जैसा सोर्स, इससे लाइट रेज निकल रहा होगा चारों तरफ निकल रहा होगा, हमारे पास जो वेव फ्रंट पता है ये पता है, ये आपको पता है नोन है, कितना समय पे, अभी स्टार्टिंग समय है जीरो टाइम पे, ये आपको क्या है पता है वेव फ्रंट, ये नोन है, ठीक। इस वेव फ्रंट पे क्या बोला गया, पहला स्टेटमेंट क्या था कि सोर्स से चारों तरफ लाइट रेज निकलेगा, वहां से इक्विडिस्टेंस जिस फिगर पे जिस सरफेस पे लाइट करेगा उसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे, तो ये नॉन वेव फ्रंट हुआ। और इस वेव फ्रंट पे जितना भी सोर्स होगा, जितना भी पार्टिकल होगा, ये बिहेव करेगा सेकेंडरी डिस्टरबेंस ऐसा, कैसा बिहेव करेगा ये सब,
जितना भी पॉइंट होगा वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस जैसा बिहेव करेगा और ये फिर से प्रोड्यूस करेगा एक नया वेव। तो ये नया वेव प्रोड्यूस करेगा तो कैसे जाएगा, यहां से स्फेरिकल, ये भी चारों तरफ अपना स्फेरिकल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया बात क्या? समझ में आया? कौन सा जो वेवफ्रंट पता था उस पर जितना भी सोर्स ऑफ पॉइंट पार्टिकल है वो नया डिस्टरबेंस जैसा बिहेव करेगा। तो ये प्रोड्यूस करेगा, ये क्या कहलाया आपका, सेकेंडरी डिस्टरबेंस या न्यू डिस्टरबेंस, ये वाला जो टर्म था न्यू डिस्टरबेंस। और ये प्रोड्यूस करेगा स्फेरिकल वेवफ्रंट, फिर से स्फेरिकल वेवफ्रंट, इसको हम बोल रहे थे क्या सेकेंडरी वेवलेट्स था ना, इसको इसी को बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। अब इस सेकेंडरी वेवलेट का फॉरवर्ड इनवेलप टेंजेंट्स, तो एक टेंजेंट देखो पीछे से ऐसे बनेगा और एक बनेगा आगे से ऐसे, तो लाइट वेव, लाइट वेव जैसे चल रहा है आगे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे क्या फॉरवर्ड इन, ये था पहले नोन वाला था ऐसा, तो ये आएगा आपका क्या टेंजेंट, मतलब इसको टच करके जाना चाहिए ऐसे, समझ में आया बात, ये टच करके जाना चाहिए। और ये आ गया न्यू वेव फ्रंट, कितना टाइम के बाद, तो जितना भी टाइम के बाद आपको बोलेगा, यहां टाइम जीरो था, यहां टाइम टी मान लेते हैं, तो टी टाइम में यहां डिस्टेंस कितना चलेगा रेडियस वी इंटू टी, जो स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, यही रेडियस रहेगा सब जगह वी इंटू टी, ज्यादा कम टाइम लेगा तो छोटा स्फीयर बनेगा, ज्यादा टाइम के बाद निकालना होगा तो बड़ा स्क्वायर बनेगा, समझ में आया बात। तो इस तरह से न्यू वेवलेट्स न्यू वेवफ्रंट आप पता कर सकते हैं। तो ये तो हुआ स्फेरिकल वाला में, प्लेन वेवफ्रंट में भी मिल सकता है, उसमें भी अगर हमारा ऐसे कुछ है प्लेन वेवफ्रंट, तो प्लेन वेवफ्रंट कैसे बताया था, ऐसे एक लाइन होगा, होगा ये भी आपको कितना समय पे है t इक्वल टू जीरो समय पे है, t इक्वल टू जीरो समय पे, तो इस वेवफ्रंट पे जितना भी पॉइंट होगा वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस जैसा क्रिएट करेगा, ट्रीट करेगा। अब ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस मान लेते हैं किसी t टाइम में कुछ ऐसा सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा, करेगा करेगा, तो इसका फॉरवर्ड इनवेलप जो आएगा ये हो जाएगा क्या न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा। कितना डिस्टेंस पे, जितना भी टाइम t इक्वल टू t समझ लिया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम के बराबर, समझ में आया बात। तो अगर एक वेव फ्रंट पता है मुझे नोन है, तो दूसरा हम कितना टाइम के बाद नया वेव फ्रंट आप पता कर सकते हैं, समझ में आया बात। तो ये ग्राफ दोनों बना लीजिए नीचे।